ने अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबू जान कहते थे कि इस तरह, यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी, 2 माह तक बस वो लटके रहते थे। और बहुत सी ज्यादा तशद्दुद ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते तो हम लोग रोने लगते थे, इसलिए बस वो कुछ कुछ बातें बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी, यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी, कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो मत सो, जागो उठो। जब निकले थे तो बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा उनकी टांगे बिल्कुल खराब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो, क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना, तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी जब मेरे अबू जान अगवा हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुए तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अबू है। वो इस बार जब हुआ तो मेरे भाई उनके साथ थे, वो बहुत रोए मेरे भाई के, वहीं पर ही मेरे भाई बिल्कुल देर हो गया कि किस तरह परदेश में हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, हम तो वहाँ पे इलाज के लिए गए थे। बहुत ज़्यादा रोए थे मेरे भाई के, भाई ये क्या हो गया, मेरे सामने मेरे अबू जान को लेकर गए और बहुत मारा था उन्होंने बिल्कुल गन्स के साथ, के उनके सर पर भी मारा था इस तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा मारा था कि हर कोई मार ही रहा था, 15-20 आदमी, जब एक ही आदमी पर हमलावर हो जाए तो फिर उसके लिए क्या। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा, पहले तो हम लोग घर से भी नहीं निकलते थे, लेकिन जब ये मजबूरी आई तो ज़ाहिर घर से निकलना पड़ा। हम लोगों ने रैली की, यानी कि 1-12 बजे से लेकर 6 बजे तक वो रोड ब्लॉक था,